राम-माइनस वन के फार्मूले पर अमल दराम पिछले दिनों से इंतहाई तेज होता जा रहा है आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो इमरान खान के खिलाफ जो माइनस वन का फार्मूला है वो अब खुलकर सामने आ चुका है इसमें कुछ लोग बाबा तौर पर बड़े अहम किरदार अदा कर रहे थे मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जब इमरान खान पर ऑफ कोर्ट केस का इनका हुआ या वो शुरुआत हुई तो उसमें उन लोगों ने भी इमरान खान को मशवरे दिए जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ थे और उन्हें क्या मशवरा दिया कि इमरान खान को अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेनी चाहिए मुझे भी ये लग रहा था कि शायद इमरान खान को अब आ, 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 महाजाराई करने के बजाय सिर्फ ये करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से बुनियादी तौर पर वो काम करे कि जिनकी वजह से आगे बढ़े मामला यानी कि उनको माफ करके और यह केस वापस लिया जाएगा लेकिन वो तमाम अंदाजे गलत साबित हुए चूंकि जब इस हवाले से गुफ्तु हुई बड़े सीनियर लॉयर से तो उनका यह कहना था कि ट्रैप हो सकता है यानी इमरान खान जिस दिन अनकंडीशनल मुआफी मांगेंगे तो इनके पास बड़े आसानी से इमरान खान को पांच साल के लिए नाअहल करने का जवाब आसानी से फराम हो जाएगा और यह माइनस वन फार्मूले का नतीजा भी था कि हम इमरान खान कैसे माइनस वन कर सकते हैं अब उस वक्त पाकिस्तान की जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं जितने भी बड़े प्रोग्राम्स हैं जितने भी बड़े तजयने गार हैं उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट आप उठाकर निकाल लीजिए उनको यह टास्क कहीं से मिला हुआ था कि एक ही बात करें तो यार इमरान खान जान छुड़ाए और अनकंडीशनल माफी करें अनकंडीशनल माफी मांगे अनकंडीशनल माफी मांगे भी हैरान और परेशान हो जो कि यार ये लोग वाकई इमरान खान कितने हमदर्द है नेवर वो कभी भी नहीं हो सकते थे उन्होंने क्या किया उन्होंने ये किया कि जनाब हमने इमरान खान का जो ये अनकंडीशनल माफी जैसे ही मांगी गए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी इमरान खान को ना अहल करना अब हामिद खान ने बार बार ये मशवरा दिया इमरान खान को कि किसी तौर पर अनकंडीशनल माफी मांगने की जरूरत नहीं हालांकि अगर मांग सकते थे तो हामिद खान मांग सकते थे एक बड़े वकील है फिर फवाज चुही से इस हवाले से हमारी बात हुई फवाज चूरी साहब ने कहा कि देखिए जब अनकंडीशनल माफी आप मांग लेते तो इट्स मीन कि आपने कोई जुर्म करके उसका इतराफ कर लिया एक तो हमने जुर्म ही नहीं किया दूसरी तरफ अगर हम यह भी कबूल कर लेते तो इट्स मीन कि हमने वो फिर उनके पास इसक होगा कि वो हमें ना अहल करते हैं या अहल करते हैं वो हमें माफ करते हैं या फिर केस आगे मजीद बढ़ता है और उनके पास एतराफी जुर्म भी आ चुका होगा तो उन्होंने इस चीज के हवाले से बड़े वाजहे और क्लियर स्टेटमेंट दिए अब कल से जब इनको ये मालूम हुआ तो पाकिस्तान इंसाफ ने इस हवाले से अपनी तेज कर दी कि ये तो तमाम चीजें हो रही माइनस वन के लिए माइनस वन जो है वो माइनस वन पर अमल दरामद जारी था और मुझे इस हवाले से अः बात यानी उनको ये लग रहा था अः असद उमर को कि मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान की जगह आप आ जाए तीन नाम और उन्होंने लिए थे लेकिन इमरान खान को साइड लाइन पे करना अब इमरान खान क्यों साइड लाइन पे करने दो खान इनके सामने झुक नहीं रहा इमरान खान इनके सामने बिक नहीं रहा इमरान खान इनको ठस से मस नहीं हो रहा इमरान खान खामोश नहीं हो रहा इमरान खान इनको टफ टाइम दे रहे यही वजह पहले क्या होता रहा पहले यह होता रहा कि जब भी किसी सियासतदान पर कोई ऐसी यानी बुरा वक्त आया करता तो वो मुल्क से बाहर जाने पर तरजीह देते मिसाल के तौर पर मियाँ साहब थे मियाँ साहब जब ना अहल हुए यहां पर अपनी जिदोजह थोड़ी बहुत शुरू की मगर जो जब उनको लगा कि यार अब कुछ नहीं होने वाला वो दिल हार हार बहुत जल्दी मान लेते हैं तो उन्हें लंदन जाने पर तरजीह दी जब मामला वो सेटल होंगे अब मामला कर रहे हैं फंसे पर्दा एक को अहल करवा रहे दूसरे को ना अहल करवा रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है एक को एक के लिए कोशिश की जा रही है जिनको ना अहल फॉर लाइफ टाइम किया था उनको अहल करवाने की कोशिश की जा रही है और जो अहल है जिनको आ, पाकिस्तान के रियासत के एक अदालत ने इनको बता दिया था कि हमने यानी इमरान खान के वाले से उनने कहा था कि ये सादिक और अमीन है उनको ना अहल करने की कोशिश की जा रही है ये मामला इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में माइनस वन के माइनस वन की जब बात की जा रही है तो इट्स मीन कि इमरान खान को साइड करने की कोशिश की जा रही है मगर क्या यह सवाल हम पूछ सकते हैं क्या ये एक आसान है इनको करना नेवर कभी भी नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता वजह क्या है वजह ये कि जब भी हम ऐसी कोई गुफ्तू करेंगे जब भी कभी हम ऐसी कोई बात करेंगे जब भी पाकिस्तान में अगर पहले आप कर सकते थे क्योंकि पहले आप नजरिया जरूरत के तहत बहुत सारी चीजें मनवा सकते थे ये पहले मरतबा एक ऐसे शख्स के साथ सामना हुआ कि वो कहता है कि यार मैं ना अहल भी हो जाओ फिर भी मैं जान नहीं छोड़ूंगा वो कहते हैं कि आप कल उन्होंने क्या कहा कल इमरान खान ने कहा कि मुझे अब सिर्फ एक काल देने और वाकि आज वो मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें वाजहे तौर पर यह हमें नजर आ रहा है कि एक काल की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक काल की और वाकई में फिर लोग नजर आ जाएंगे आज शाम को देख लीजिएगा आज जो बातें मैं बता रहा हूं आज शाम को आप देख लीजिएगा इमरान खान ने काल दी हुई है उनसे इजारती के लिए पूरी पार्टी में पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएंगे

इमरान खान को हटाने की जो कोशिश करे वो लोग उनकी नींदें आराम हो चुकी है वो मेजर आदित्य ने कल ट्वीट किया था कि जो हैंडलर है वो बाबाबा तौर पर उन्होंने टैबलेट्स खाना शुरू कर दिए हैं और टैबलेट्स इस वजह से कि नींद उनको नहीं आ रही है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है इमरान खान कभी लोगों को निकाल रहे हैं कभी धमकिया दे रहे हैं कभी ये कह रहे हैं कि मैं लोग को निकाल लूंगा कभी कह रहे हैं कि मैं एक काल दूंगा कभी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं तो बड़ी वाजहे तौर तो पर वो तमाम चीज़ें तो समझ में आ रही है और एक और बात मैं आपको आखिर में बताऊं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो बात यह कि जनाब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर इमरान खान को कुछ ना हुआ और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये बात तो श्योर है कि टू थर्ड के साथ वो आएंगे लेकिन अगर उनको कुछ ना हुआ और वो तमाम चीजें होती रही तो फिर याद रखिएगा जो आज कुछ उनके साथ हो रही इनका वो बदला लेंगे और उन लोगों से भी लेंगे कोई आपकी तस्वर में भी नहीं होगा तो इसलिए वो हैरान भी है कि अगर ये दोबारा आ गया तो हम में से तो किसी को छोड़ा नहीं हम में तो किसी के साथ ये वो सलूक करेंगे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी लिहाजा इनको किसी भी तरीके से यार निकाल दो अब नजम सीटी के बकौल अगर इमरान खान को इस वक्त ना नााहल भी कर दिया जाता है इमरान खान को इस वक्त साइड लाइन भी कर दिया जाता है इमरान खान को इस वक्त अगर मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से ऑफ भी कर दिया जाता है तो वो कभी भी दोबारा उस चक्कर में यानी वो खामोश नहीं रहेंगे वो दोबारा उससे ज़्यादा मोटिवेटेड होकर निकलेंगे वो दोबारा उससे ज़्यादा मोटिवेटेड होकर अपने ये आज़ादी की जद्दोजहद लड़ेंगे क्योंकि उनके पास वो, वो पावर है और उस चीज़ की पावर को देखते हुए हमें चाहिए कि इस वक्त के जो मामला है, हैंडलर्स हैं उनसे जो गलतियाँ उन गलतियों को सुधारने का वक्त होना चाहिए मेरे ख्याल में अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यू आर पावरफुल और आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर लेट्स सी क्या होता है हाउ फॉर द बेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को अल्लाह अल्लाह इन पर अपना रहम व करम फरमाए और जो पाकिस्तान को इस नज पर लेकर आए हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं तो नस्त नबूद कर दे आमिर शुक्रिया